हेलो दोस्तों, पीके राज यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, रेलवे एलपी 2018 में पूछे गए प्रश्न को डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। तो आप बताइए कि 20 क्वेश्चन में से कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। 0.10011 किलोमीटर, 0.01 या चौथा है 0.001 किलोमीटर। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 0.001 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थाई उदकों के निर्माण के लिए अस्थाई प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विभेदन। विभेदन होगा दोस्तों, यहाँ पे ग लिखा गया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों चांद, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, CO2। CO2 गैस जो है दोस्तों चूने के पानी को दूधिया बना देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वृषण, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो बताइए दोस्तों कि बॉर्डर लाइन तत्व इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिस्मिथ, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा जिसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मीथेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा है जिसे विचारों का संग्रह होता है। तो बताइए दोस्तों, मानव मस्तिष्क में कहाँ पे विचारों का संग्रह होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों अग्रमस्ति, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा धनायन होता है। तो बताइए दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन सा धनायन होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों अमोनिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। तो बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों वेग और समय, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। तो बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से न्यूटन किसको आविष्कार किए थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन चौथा, गणना को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों पश्चिमी घाट, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन
2 सुदीपा दास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कल्पित पैदा होता है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रायोफाइलम, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो बताइए दोस्तों ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सोडियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। फूल के केंद्र में कौन सा मौजूद होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 अंडप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कसक्यूटा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो यहीं पे 20 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। तो बताइए दोस्तों आप 20 क्वेश्चन में से कितना सही कर पा रहे हैं। और अगर दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट कर एक लाइक इस चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।